तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ और एक मैं आपको गुड न्यूज भी देने जा रहा हूँ। मैं नहीं मानता। आपको पता है इस बार एमपी बोर्ड का जो सेशन है 2021-22 का वो खत्म होने जा रहा है, बस रिजल्ट आना बाकी है। तो इस बार के जो बच्चे हैं वो तो फ्री हो गए, बट अभी जो न्यू बच्चे हैं 2022-23 के सेशन में, आपको पता है एमपी बोर्ड का 22-23 का जो सेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसी से जुड़ी यहाँ पर कुछ अपडेट आई है, वही मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होने जाएगा, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड में काफ़ी कुछ हुआ था। आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया था, न्यू बुक्स आ गई थी आपकी, ऐसी और भी चीज़ें हुई थी, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था। तो आपका जो न्यू सेशन रहेगा उसमें ऐसा क्या क्या हो सकता है, तो इस बारे में ही अपन बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप अभी 10th और 12th में आएँ, यानी कि आप 2022-23 के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, तो सारे काम छोड़ के जो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो आप ज़रूर से दबा के रखिए, नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर से ऑन करके रखिए, क्योंकि इस बार के जो बच्चे हैं, इस बैच के जो बच्चे हैं, उनसे आप पूछिए कि इस बार एमपी बोर्ड में क्या क्या हुआ है, कितनी दिक्कतें उनको आई हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। जलवा है हमारा। अगर कुछ चेंज होता है, कुछ न्यू चीज़ें आती हैं, कुछ न्यू पैटर्न आते हैं, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, अभी एक आपके काम की एक अपडेट सामने आई है, वही मैं आपको वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो सेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। 13 जून से आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो महीना है अप्रैल का जो महीना है, इसमें भी हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता था, पढ़ाई शुरू हो जाती थी। बट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि गर्मी को ज़्यादा देखते हुए, यानी कि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, इस कारण से आपका जो सेशन है वो डायरेक्ट 13 जून से स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बीच में आपको गैप नहीं दिया जाएगा। अभी तक कैसा होता था कि आपको एक महीने पढ़ाया जाता था, फिर आपकी छुट्टी हो जाती थी, फिर 1-1.5 महीने बाद आपका फिर से जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाता था, आपके स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते थे। सही बात है। बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा साफ साफ बता दिया है कि जो बीच में गैप होता था उसके कारण बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था। अब देखिए, कुछ चीज़ आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, बीच में गैप आ जाएगा तो उससे सीधी सी बात है, ना आपको वो पुराना याद रहेगा, ना ही आप नया समझ पाएंगे। बात तो सही है। तो इसी कारण से यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है कि आपका जो सेशन है वो 13 जून से स्टार्ट किया जाएगा और जब तक आपकी पूरी छुट्टियां रहेंगी। तो ये एक गुड न्यूज़ थी कि आपकी जो वेकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं 1 महीना आपका एक्सटेंड हो गया है वेकेशंस में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बढ़िया, अभी आप मज़े कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपके छोटे भाई बहनों, आपके दोस्त वगैरह हों तो उनको ज़रूर से बताइएगा कि सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ये आपको अभी नहीं पता है, ये मैं आपको साथ में बताऊँगा जब आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी आपका न्यू ब्लूप्रिंट भी आना है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपका जो पैटर्न वगैरह है कैसा क्या रहेगा वो सब मैं आपको आगे समझा दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके भी बात कर सकते हैं।